नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल किसान भाइयों। यूट्यूब चैनल किसान पाठशाला में सभी किसान भाइयों का स्वागत। किसान भाइयों, इस समय एक समस्या फील्ड के अंदर देखने को मिल रही है, गेहूं के अंदर है जो पीलापन। कई जगह गेहूं है वो कम पीलापन है, कई जगह बहुत ज्यादा है और थोड़ी सी फुटान भी गेहूं के अंदर कम है। इसका किसान भाइयों मुख्य जो कारण है वो है अल नीनो का प्रभाव। अल नीनो के प्रभाव के कारण पीछे अपने देखा था नवंबर के महीने में टेम्परेचर और दिसंबर के शुरुआत में 15 दिसंबर तक भी दिन के अंदर टेम्परेचर है वो ज़्यादा था। उस वजह से फसलों के अंदर टिलरिंग भी कम हुई, फुटान भी थोड़ा सा कम है। तो ये जो पीलापन है किसान भाइयों, इसका मुख्य कारण है न्यूट्रिएंट की कमी होना जमीन के अंदर। क्लोरोफिल की कमी आ जाती है पत्तियों के अंदर, जिसमें हरापन कम हो जाता है और फसल जो पीली पड़नी है शुरू हो जाती है। तो इसमें विशेष रूप से किसान भाई इस चीज़ का ध्यान रखें, एक तो पानी ज़्यादा भर करके खेत में न लगाएं। जहाँ पर क्ले सोइल है या ज़्यादा हार्ड सोइल है वहाँ पर पानी है, लंबे समय तक रुकने से फसल के अंदर पीलापन आ जाता है। और नाइट्रोजन देने के बावजूद भी, यूरिया खेत में डालने के बाद भी पीलापन यदि दूर नहीं हो रहा है तो जिंक की कमी के लक्षण हो सकते हैं। जो पत्ती की दूसरी तीसरी पत्ती है, मध्य सिरा है, वो बिल्कुल हरे रंग की रहेगी। साइड के अंदर है जो हमें पीली धारियाँ दिखाई पड़ती है तो वो जिंक की कमी के लक्षण हो सकते हैं। और साथ में टिलरिंग आपके खेत में अच्छा हो, फुटान अच्छा हो, इसलिए थोड़ा सा आप पोषक तत्व के रूप में ऊपर से फोलियो स्प्रे दें, क्योंकि जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है तो प्लांट है वो जड़ों से पोषक तत्व अपटेक नहीं करता है। तो इस समय किसान भाइयों आप 19-19 या 20-20 ये 500 ग्राम दोनों में से एक लेकर के 100 लीटर पानी में घोल बनाएंगे, साथ में सूक्ष्म पोषक तत्व 300 ग्राम 300 ml प्रति बीघा के हिसाब से घोल बना के स्प्रे करोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और उसके 7 दिन के बाद में आप जिंक सल्फेट ले सकते हो। 21% यदि जिंक सल्फेट आप काम में ले रहे हो तो 750 ग्राम के आसपास लेनी है, और यदि आप 33% जिंक काम में ले रहे हो तो 350 ग्राम। इसके अंदर आपको क्रॉप की कैनोपी के अनुसार यदि पहला पानी लगाया है तो आप 1 किलो यूरिया उसके अंदर मिक्स करना है 100 लीटर पानी के अंदर। यदि दूसरा पानी लगा रहे हो तो आप 1.5 से 2 किलोग्राम तक भी यूरिया का उसमें इस्तेमाल करोगे, जिससे है सल्फेट फॉर्म में जो जिंक होती है उससे पत्तियों में बर्निंग नहीं आएगी। और साथ में आप इसके अंदर सूक्ष्म पोषक तत्व ये जिंक और यूरिया दोनों मिलाकर के यदि स्प्रे करते हो तो आपको जिंक की कमी के लक्षण है वो पूरे हो जाएंगे। हमारी जो धरती है उसके अंदर जिंक की मात्रा है वो 0.6 ppm के आसपास होनी चाहिए, जो मृदा के अंदर कमी है। इसी तरीके से किसान भाई हमारे पास में सस्ते इलाज भी होते हैं, सस्ते प्रोडक्ट भी हमें मिल जाते हैं। जिस प्रकार आप लोहा जिंक ले सकते हो, ये लगभग 1 किलोग्राम के आसपास 100 लीटर पानी में आप घोल बना सकते हो। मैग्नीशियम सल्फेट है, ये भी पत्तियों को हरा करने में सहायता करता है और प्रकाश संश्लेषण में भी सहायक है। ये 1 किलोग्राम के आसपास इन दोनों को मिलाकर के यदि आप स्प्रे करते हो तो भी हमारी फसल के अंदर है पीलापन है वो कंट्रोल हो सकता है। इसके साथ साथ में किसान भाइयों, कई बार जमीन के अंदर यदि हमें पीलापन कहीं पर फसल है वो ज़्यादा बड़ी है, कहीं पर कम है, इस प्रकार पेचेज में दिखाई दे रहा है तो नेमेटोड की समस्या हो सकती है। कई किसान भाइयों से जैसे बातचीत, तो इन्होंने कहा कार्बोफेरॉन हमने प्रयोग किया था 5 किलोग्राम प्रति बीघा, अभी तक गेहूं में पीलापन है, तो उसको जो नेमेटोड है उसको नियंत्रित करने के लिए आप सेलियोमाइसिस लीलासिनस है, जो एक कवक आती है, वो पाउडर फॉर्म में भी है, लिक्विड फॉर्म में भी है, आप 1 किलोग्राम है सड़ी गली गोबर की खाद में मिला करके प्रति बीघा इस्तेमाल करोगे तो नेमेटोड का ये भक्षण कर देता है। थोड़ी सी मॉनिटरिंग करें पौधों की जड़ों में, यदि गांठें मिल रही है तो नेमेटोड का प्रकोप हो सकता है, तो इसका इस्तेमाल करोगे तो आपका पीलापन है वो गेहूं का दूर हो जाएगा। और साथ में यदि मिट्टी थोड़ी सी कम्पैक्ट है, हार्ड है, तो उसमें पहला प्रथम सिंचाई के बाद थोड़ा सा उसमें कसिया चलाएं, कल्टिवेशन करें, हेरो का प्रयोग करें, जिससे एयर संचार है जो अच्छा होगा। ज़्यादा मिट्टी जहाँ हार्ड होती है और पानी रुक जाता है खेत में तो भी खेत के अंदर है जो पीलापन आ जाता है, तो ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है। इस प्रकार हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट यदि अच्छा कर लेते हैं तो हमारे टिलर की संख्या भी ज़्यादा होगी, और शुरुआत के अंदर यदि किसान भाइयों हमारी फसल है जो दब जाती है तो बाद में उसका उत्पादन पर बहुत असर पड़ता है। तो ये सूक्ष्म पोषक तत्व और नेमेटोड के बारे में अपने चर्चा कर रहे थे, तो इसको अपने नियंत्रित करना है। तो वीडियो आपको कैसे लगी किसान भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, दूसरे किसानों तक पहुँचाएँ।
मिलते हैं एक अच्छी जानकारी के साथ। राम राम जी, जय जवान, जय किसान, जय भारत।